हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि हम लोग अपने हैंडराइटिंग को फास्ट कैसे करें। अगर हम लोग की हैंडराइटिंग स्लो है तो हमें अपने हैंडराइटिंग को फास्ट करने के लिए कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव और फास्ट करने के लिए 5 तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत जल्दी फास्ट इम्प्रूव होगी और अच्छी राइटिंग भी बनेगी हैंडराइटिंग। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए लेट्स गेट्स स्टार्टेड। नंबर 1, सबसे पहले ये है कि हम लोग जो भी पेन या पेंसिल से लिखते हैं उसका हमें सबसे पहले अपने पेन और पेंसिल का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हम लोग की राइटिंग स्लो है तो हम लोगों को हैवी पेन के बजाय लाइट वेट पेन को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आपकी राइटिंग स्लो है, अगर आप हैवी पेन ले लेते हैं तो आपकी राइटिंग और भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि पेन का वेट काफ़ी पड़ जाता है आपके हैंड में। इसलिए मैं प्रीफर करूँगी कि आप जब भी लिखने के लिए शुरू करें, हैंडराइटिंग आपको इम्प्रूव फास्ट करना है तो आप लाइट वेट पेन का यूज़ करें। ओके, अगर बच्चे को लिखवा रहे हैं तो उसे आप पेंसिल जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा बड़ी पेंसिल ना दें। उससे क्या होता है कि बच्चों को हैंड पे पेंसिल का वेट काफ़ी पड़ता है, जिससे उसकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होने में दिक्कत होती है, फास्ट नहीं होती है। ओके, और फिर जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग अधिकतर ये गलतियाँ करते हैं कि हम लोग पेन के कैप को पीछे में लगा देते हैं, जिसके वजह से पेन का वेट और भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से पेन का वेट काफ़ी हो जाने की वजह से हमारी हैंडराइटिंग की स्पीड और भी स्लो हो जाती है बजाय स्पीड होने के। तो इसलिए पेन के कैप को हमेशा साइड में कहीं पे रखें, पीछे में ना लगाएं। ओके, नेक्स्ट जो मेरा है कि पेन और पेंसिल की ग्रिप जो होती है वो आपको अपने हैंड के अकॉर्डिंग परफेक्टली आपको लेना होगा और उसे यूज़ करना होगा, क्योंकि ग्रिप का बहुत बड़ा रोल और खेल होता है हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में और हैंडराइटिंग की स्पीड को बढ़ाने में। तो आप अपने हैंड अपने फिंगर के अकॉर्डिंग जो भी पेंसिल या पेन यूज़ कर रहे हैं उसकी ग्रिप को ज़रूर चेक करिएगा। ओके, अगर आपकी ग्रिप सही नहीं होगी तो आपके चांसेस हैं कि फिंगर से आपके पेन या पेंसिल मूव होते हैं, फिसलते हैं, जिससे राइटिंग अच्छी भी नहीं होती है और स्पीड भी नहीं होती है। ओके, अगर बच्चे को लिखवा रहे हैं तो बच्चों के लिए आप लोग रेडीमेड ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्ले का यूज़ कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बच्चे की ग्रिपिंग के लिए फिंगर का। इसके पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ख़ास करके बच्चों के ग्रिपर को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है? तो चेक कर लीजिएगा ज़रूर से। ओके, थर्ड जो मेरा है ये कि हमें अपने हैंडराइटिंग को स्पीड करने के लिए प्रैक्टिस करना मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें अपनी हैंडराइटिंग को फास्ट स्पीड करना है तो हमें प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी, पर डे हमें अपने हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके वजह से हमारी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ेगी। आप हमेशा बड़े बच्चे हैं तो आप कम से कम 1 घंटे हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर छोटे बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं हैंडराइटिंग स्पीड के लिए तो आप उन्हें किसी भी तरह का नॉर्मल बुक या कॉपी में ना लिखवाएं, इसे इग्नोर करें। आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्हें लिखवाएं, जिससे उनको लिखने में इंटरेस्ट आए और वो लिखें भी और उनकी हैंडराइटिंग भी स्पीड हो। आप उसके लिए पैटर्न बुक का यूज़ कर सकते हैं, कोई उन्हें पैटर्न दे सकते हैं कॉपी में बना करके, ठीक है? या फिर आप उन्हें
ये भी करके दे सकते हैं, कोई zigzag बनाने के लिए या ladder बनाने के लिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह से उन्हें उसमें बनाने में इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होंगे और वो इजली बनाएंगे भी, ठीक है। इससे उनकी हैंड की फिंगर मसल्स दोनों स्ट्रॉन्ग होगी ज़्यादा अगर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो, ओके। तो और बच्चों को बोरिंग चीज़ें लिखवाने से अवॉइड करें, ओके। फोर्थ जो मेरा है कि जब भी आपको अपनी हैंड राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करनी है तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक है वो ये है कि आप जब भी आप लिखते हैं तो आप अपना उसका टाइमिंग सेट कर लीजिए कि मुझे कितने देर में लिखना है। फर्स्ट डे आप अगर लिखने के लिए बैठते हैं, अगर आप एक घंटे में आप ये टास्क ज़रूर रखिए कि मुझे एक घंटे में इतने पेजेस को लिख लेना है, कंप्लीट कर लेना है, या फिर आप अगर 10 पेजेस भी लिखते हैं तो आप उसे टाइम देख लीजिए कि मैं कितने देर में लिखता हूँ या फिर मैं लिखती हूँ, ठीक है। फिर दूसरे दिन उस टाइमिंग को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। थर्ड दिन उसे और कम करने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट 7 मिनट, ठीक है। फिर फोर्थ दिन और इसे कम करने की कोशिश कीजिए, बट डे बाय डे अपने टाइमिंग को कम करते जाइए और उतना ही जितना लिखते हैं उतना ही लिखिए पर टाइमिंग को कम करते जाइए। इससे आपका बहुत जल्दी हैंडराइटिंग स्पीड आ जाएगा आपके लिखने में। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अगर बच्चे को लिखवा रहे हैं तो दो बच्चों को साथ में लिखवाइए, ठीक है। दो बच्चे, तीन बच्चे, सबको साथ में बैठ करके लिखने के लिए दीजिए। अगर बच्चा थोड़ा इधर उधर गलत भी लिखता है तो उसके हैंडराइटिंग पे मत जाइए कि आपने गलत लिखा है। आप उसे देखिए कि वो कितना स्पीड लिख रहा है, क्योंकि हम बच्चे पर एक साथ दो वर्क नहीं कर सकते, या तो हम उसके क्वालिटी पर वर्क कर सकते हैं या क्वांटिटी पर। अभी हम लोग क्वांटिटी पे वर्क कर रहे हैं तो हमें अभी क्वालिटी पे वर्क नहीं करना है। जब बच्चा क्वांटिटी सही से वर्क कर लेगा तो फिर आप उसे क्वालिटी को भी धीरे धीरे उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप एंड द बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड द बोनस स्टेप ये है कि आप अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। आप कंपटीशन अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप कंपटीशन अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने सिस्टर के साथ कर सकते हैं, या फिर आप बड़े हो या फिर आप बच्चे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े हों। जब हम क्योंकि बड़े हो या बच्चे, कंपटीशन का नाम आते ही सभी को ये होता है कि मैं जीतूंगी, मैं विनर बनूंगी। तो उसके लिए बड़े हैं तो आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, कोई भी टास्क रख लीजिए कि हमें इतने देर में इतनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, और जो इतने देर में इस चीज़ को कंप्लीट कर लेगा वो रनअप अप होगा, फर्स्ट विनर होगा, ठीक है। इसके लिए आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि हमें उस चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है अंदर से, और हम वो चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो डेली नहीं तो कम से कम वीक में एक बार इस चीज़ को ज़रूर आजमाइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और अच्छा भी फील होता है, और इससे आपकी हैंडराइटिंग स्पीड भी बढ़ती है, ओके। तो कंपटीशन ज़रूर रखिए। अगर छोटे बच्चे को करवा रहे हैं तो छोटे बच्चे को कंपटीशन के लिए आपके घर में दो बच्चे, तीन बच्चे हैं, साथ में बिठा करके उन्हें बोलिए कि आप लोगों का ये टास्क है, इतना टाइम में ये टास्क को आप लोगों को कंप्लीट करना है, जो इतना टाइम में इतने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे वो विनर होंगे और विनर को प्राइज़ मिलेंगे। अगर घर में बच्चे नहीं हैं, एक ही बच्चे हैं, तो एज अ मम्मा, एज अ पापा या फिर एज अ पेरेंट्स आप उनके साथ खुद कॉम्पिटिट करिए, ओके। इससे बच्चे के अंदर भी जल्दी लिखने की भावना आएगी, इससे हैंडराइटिंग भी बच्चों की इम्प्रूव होगी। तो ये तो थे मेरे वीडियो कि हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें जल्दी और हैंडराइटिंग को बेस्ट
बनाते हुए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सबको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस यूज़फुल वीडियो को हर लोगों तक का हर स्टूडेंट को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपडेटिंग वीडियो के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।